साल 1965 में आई फिल्म निशान से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाले दिवंगत अभिनेता संजीव कुमार भले ही आज इस दुनिया में ना हो, मगर उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता संजीव कुमार की बायोग्राफी को हाल ही में लॉन्च किया गया। इस बायोग्राफी में उनके लव लाइफ के बारे में भी कई खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि रीता राममूर्ति गुप्ता और एक्टर संजीव कुमार की भतीजे उदय जरीवाला ने इस बायोग्राफी में उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक कई चीजों को लेकर बातें शेयर की है। इस बायोग्राफी में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि संजीव कुमार का अफेयर बॉलीवुड के टॉप अदाकाराओं के साथ रहा है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी फिल्मी करियर में एक्टर संजीव कुमार का नाम बॉलीवुड की कई हसीनाओं के साथ जोड़ा गया, जिनमें सायरा बानो, नूतन और शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेसेस का नाम शामिल है। वैसे आपको बता दें कि अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बना चुके संजीव कुमार प्यार के मामले में काफी बदकिस्मत थे। संजीव कुमार की बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने एक्ट्रेस शबाना आजमी से एक दफा अपने प्यार का इजहार भी किया था। इस बायोग्राफी किताब में संजीव कुमार के साल 1979 इंटरव्यू के बारे में भी लिखा गया है। किताब में छपे इस इंटरव्यू के मुताबिक संजीव कुमार शबाना आजमी का रिश्ता शादी तक भी पहुंच गया था, मगर उनकी मां ने जिद ठान ली। संजीव कुमार की मां ने उस दौरान कहा था कि अगर उन्होंने शबाना से शादी की तो उन्हें अपने घर से बाहर जाना पड़ता और ये बात एक्टर को हजम नहीं होती। तो वही तो उसे, इसके अलावा आपको बता दें कि एक्टर शबाना आजमी से पहले भी संजीव कुमार की मां ने एक और मुस्लिम लड़की को लेकर आपत्ति जताई थी। इस बायोग्राफी में उनके पहले प्यार के बारे में भी कहा गया है, जिसमें एक्टर संजीव कुमार ने एक बार कहा था कि पहली बार था जब उन्हें बेहद ही गंभीरता से किसी से प्यार हो गया था। बता दें कि साल 1973 में संजीव कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 26 की उम्र के बाद गहराई से प्यार में पड़ा। उस दौरान मैं किसी भी चीज से ज्यादा उससे शादी करने की चाहत रखता था, मगर वो एक मुस्लिम लड़की थी और उस वक्त मेरी माँ उसके खिलाफ थी। अपने इस बात को आगे बढ़ाते हुए संजीव कुमार ने उस इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अपनी माँ का सबसे छोटा बेटा होता तो मैं नरक में भी जाकर उससे शादी जरूर करता, मगर मेरी माँ ने मेरे पिता के बिना ही 4 बच्चों की अकेले परवरिश की थी। ऐसे में कहा जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस सायरा बानो ही थी। तो वही दोस्तों, आपको बता दें कि संजीव कुमार को बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी से भी एक वक्त बेहद ही शिद्दत से प्यार हो गया था। उस दौरान वो हेमा मालिनी से शादी भी करना चाहते थे, मगर ये ना हो सका। आपको बता दें कि संजीव कुमार एक विनम्र पत्नी चाहते थे, मगर वो हेमा मालिनी के स्वभाव से भी वाकिफ थे। हालांकि संजीव की ये ख्वाहिशें अधूरी रह गई और इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके अलावा आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर संजीव कुमार का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस की सबसे फेमस एक्ट्रेस नूतन के साथ भी जुड़ा जा चुका था। कहा जाता है कि फिल्म देवी के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हुई। तो वही दोस्तों, मगर एक रिपोर्ट की माने तो एक्ट्रेस नूतन ने ये खबरें पढ़ने के बाद उन्होंने एक्टर संजीव कुमार को थप्पड़ तक जड़ दिया था। तो वही दोस्तों, आपको बता दें कि एक्टर संजीव कुमार ने ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ में किसी से भी शादी नहीं रचाई। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।